यहाँ पर कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कब तूफान आ जाए, किसी को मालूम भी नहीं होता। लेकिन अगर किसानों तक पहुँचना है तो धरती का सहारा भी लेना पड़ेगा। चलिए आज गोवा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, नॉर्थ गोवा जिले में चलूंगी और सोलह गाँव होगा। इन गाँव वासियों से जल जाकर समूह पर बात करेगा, किस तरह से हमारे समूह से जुड़कर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो अन्नदाता है, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, चंद कदमों की दूरी है। इसी बारिश में हम सफर तय करते हैं और आप भी देखिएगा, समझिएगा कि गोवा का जो एग्रीकल्चर है, गोवा का जो किसान है, क्या उगाता है, क्या लगाता है और क्या आप तक पहुँचाता है। चलिए मेरे साथ। वासियों की भीड़ देखिए, कितने जागरूक है। एक बार जोरदार से ताली अपने आपके लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है नॉर्थ गोवा के सुरला गांव से आ रही है। यह महिलाओं को मौका दिया जाता है, जब पूछा कि आप महिलाएं इतना आगे कैसे, तो बोले ये हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया है। तो चलिए आज की चर्चा स्वयं सहायता समूह पर करेंगे कि ये जो समूह है किस तरह से काम करता है, किस तरह से महिलाओं की मदद करता है और गाँव में कितना बदलाव हुआ। जी सर खड़े हो जाइए। Yes. नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डिप्टी सरपंच सुरला पंचायत सुभाष फोंडेगा। कहते हैं कि अगर हमारे गांव की पंचायतें मजबूत हो जाए तो गांव मजबूत हो जाएगा, तो पंचायत के जरिए आप गांव को क्या मदद देते हैं? हम पंचायत के जरिए लोगों को जैसे टॉयलेट, नल, नल कनेक्शन जो है वो जिसके पास नहीं है उसको हम हेल्प करते हैं। अभी हमारे सुरला में 100% टॉयलेट हैं, सबके घर पानी पहुंचा है और बाकी जो बहुत जो समस्या लोगों का रहता है उसके ऊपर पंचायत ध्यान देके उसको जो कुछ हेल्प चाहिए हम करते हैं। हमारे गांव में एग्रीकल्चर जो ग्रुप हैं वो सब रजिस्टर किए हुए हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो सब रजिस्टर हैं और वो रजिस्टर होने की वजह से एग्रीकल्चर जो हमारा फार्मर भाई हैं वो सब गवर्नमेंट से जो कुछ मिलता है फ़ायदा वो लेता है। जब तक रजिस्टर नहीं होता है कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या एग्रीकल्चर ग्रुप हो। हमारा इतना अलर्ट है सब फार्मर कि सब एक ग्रुप में रह के खेती का जो बंद खेती था वो अभी चालू करके माइनिंग बंद होने के बाद गोवा में अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती की ओर चला गया और जो खेती बंद था वो हमारे फार्मर्स ने अभी चालू कर दिया। जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले बहुत पीछे था लेकिन हमारा सीएम प्रमोद सावंत होने के बाद उसको बहुत गति आई है। वो ऐसा गति आई है कि हर गांव में वो कुछ ना कुछ स्वयं सिद्ध करने के लिए कुछ बहुत से ये देता है। जैसे मैडम बोला कि हैंडलूम करने के लिए कोयर का ये देता है, ऐसा बहुत सा सीएम अभी हम हर महिला को सेल्फ ग्रुप हेल्प देता है, उसको काम देता है और वो महिला खुद काम करके अपना चलाती है। अच्छा क्या मैं समझूं आपका सुरला जो गांव है वो आत्मनिर्भर है? हाँ बहुत से आत्मनिर्भर की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी हम ज्यादा से ज्यादा बोले तो आत्मनिर्भर ही हैं। सर बैठिए जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? साईमा सतीश गौड़े। आप सरपंच हैं यहाँ की? हाँ। आपके सरपंच बनने के बाद आपने इस गांव में क्या क्या काम करवाया है? क्योंकि बात हम स्वयं सहायता समूह की कर रहे हैं तो किस तरह से आपने काम करवाया? हमको अभी 2 महीने हुए हैं सरपंच बने हुए। अच्छा तो 2 महीने में पूरा गांव समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आता है ना, फिर आगे हम सब समझ जाएंगे। अच्छा तो आपके यहाँ जब महिलाएं सरपंच बनती है तो क्या हमारी महिलाओं को मदद मिलती है? मिलती है। मिलती है। हाँ तो समूह कैसे काम करता है आपका? सब मिलजुल के करते हैं महिला सब एक हमको इकट्ठा रह के काम करते हैं। सरकार मदद कर रही है? हाँ सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है हमारी। क्या क्या पहुँचा रही है सरकार आपको? फार्मर को मशीन, कौन कौन सा मशीन लगता है वो सब सरकार दे रही है हम। ठीक है बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और अब मैम मैं आपसे भी बात करूँगी। मैम जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्रांति दीपक सिलकर। अच्छा गांव कितना विकास कर गया है पिछले कुछ सालों में? हमारा गांव अभी बहुत विकास कर रहे हैं। जब से हमारा जो बीजेपी सरकार, जो हमारे सीएम सरकार, सीएम ने ऐसा सब ये सब ऐसा रोड किया, सब डेवलपमेंट हम हमारा गांव आगे है, सब एक एक 1 2 3 सब वार्ड हमारा डेवलपमेंट पे आगे है।
एक भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो कुछ काम करने के लिए देखेंगे। हमको अभी खोजना पड़ता है कुछ काम करने का है। अच्छा, पंचायत में ऐसा हमारा डेवलपमेंट खोजना पड़ता है कि क्या काम काम करने का। तो भी तो कुछ ने पूछा ना, थोड़ा इधर करने का, हम बाद में उसका काम करते हैं। हम हमारे पंचायत में, जब मैं दो साल हमारे पंचायत में थी सरपंच, एक भी लेडीज़ बहुत आती थे, आज ये है वो है, एक भी लेडीज़ को मैंने कुछ एक भी कभी नहीं भेजा। उसका कुछ ना कुछ थोड़े से जो काम हमारे साथ में है ना, वो हमारे उसका काम किया। ठीक है, बैठ जाइए। कितनी समझदार, कितनी पढ़ी लिखी सरपंच साहिबा है गांव की। आपका क्या नाम है? निवेदिता नारायण। अच्छा निवेदिता जी, मैंने देखा है कि हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की जो कहानी है, उसमें आज हम बात कर रहे हैं सोलना की, स्वयं सहायता समूह की। क्या समूह हमारे यहाँ पर बने हुए हैं? बने हैं। आप जुड़ी हुई है? तो आप क्या करती है समूह के अंदर? समूह के अंदर हम 14 लोग समूह में आए, उसमें हम पैसा डालते हैं, जो जिसको चाहिए ना वो निकालते हैं। मेरे पास मैंने निकाला ना तो मैं खुद के लिए यूज करती हूँ। मेरे पास मैं कुछ मेरे बागवानी में कुछ पेड़ लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ। मैं केवीके में कभी गई ना तो उधर जाते थे बहुत पहले हम, तो मैं उधर जीवामृत ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी मोदी का परिवार हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं कुछ अपने बल पे मेरे घर वाले के साथ बन के कुछ करके दिखाऊँ। अगर हर कोई